मुख्यप्रधान विजय रूपाणी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन આપવામાં આવ્યું હોવાની મળી રહી છે ખબર। મુખ્યપ્રધાનના તમામ રિપોર્ટ નોર્મલ છે, તબિયત સુધારા પર છે। સિનિયર તબીબો મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીની સતત સારવાર અને દેખરેખ રાખી રહ્યા છે। આજ મામલે વધુ વિગતે વાત કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે ટીવી 9 સંવાદદાતા જિગ્નેશ પટેલ। જિગ્નેશ, આખરે મુખ્યપ્રધાનની હાલત હાલ સ્થિર છે, કઈ પ્રકારની તેમની સારવાર ચાલી રહી છે? જિગ્નેશ, जय से प्रमाणे मुख्यमंत्री ने सारवार अर्थे यूएन मेहता हॉस्पिटल में लावामां आव्या त्यारे तेओ नी हालत कोईपण प्रकारे सारी नहोती, तेवू बिल्कुल नहोतू, कारण के तेओ जाते चालीने ज एडमिट थया हता। साथे ज जणावा मांगीश के तेमने अन्य कोई रिपोर्ट में कोईपण प्रकारनो प्रॉब्लम नहोतो। तेमनो एचआरसीटी नो रिपोर्ट होय के पछी ब्लड रिपोर्ट होय के सीटी स्केन होय, तमाम रिपोर्ट तेओना नॉर्मल आव्या हता, जेना कारणे तबीबोए केटलेक अंशे हांसकारानो अनुभव कर्यो हतो। परंतु ज्यारे कोविडनो तेमनो आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आव्यो त्यार बाद आजनी वात करवामां आवे तो आजे वहेली सवारे तेमना ब्लड रिपोर्ट फरीथी लेवामां आव्या छे, अने साथे ज तेमने रेमडेसिविर इंजेक्शन आपवानी आजथी शरूआत करवामां आवी छे। आजे प्रथम डोज आपवामां आव्यो छे। हवे जरूरियात मुजब प्रोटोकॉल प्रमाणे जो अन्य इंजेक्शन आपवानी जरूरियात वर्ताशे तो बीजो डोज तेमने आपवामां आवशे। मुख्य बाबत ए छे के हालमां मुख्यमंत्रीनी हालत स्थिर छे, कोईपण प्रकारे तेमने अन्य कोई लक्षणो पण कोरोना ने लगता नहीं कि अन्य कोई तकलीफ के पण तेमने नहीं, परंतु रेमडेसिविर आपवा पाछळनुं एकमात्र कारण छे के ते वहेलामां वहेली तके तेमनामां रिकवरी आवे अने अन्य कोई पण प्रकारनी तकलीफ उभी न थाय। जयेश, आभार जिग्नेश। तो मुख्यप्रधाननी हालत स्थिर छे अने रेमडेसिविर इंजेक्शन तेमने खास आपवामां आव्युं छे, जेथी वहेलामां वहेली तके तेओ आ कोरोना संक्रमणथी बहार